जब कॉलेज से स्टूडेंट निकाल ले तो अपने ख्यालों के सपना में बहुत बड़ा ड्रीम देखते हैं। वो सोचते हैं कि मैं यस करूँगा, गेट करूँगा, SSC जय करूँगा, अच्छा स्कोर करके PSU में जाऊँगा और अच्छा डिपार्टमेंट आऊँगा। ज्वाइन करने के बाद कोचिंग फिन और क्या होता है उनका हाल, कोचिंग ज्वाइन करते हैं MEDG ES मास्टर अदर्स, वो फिर बाद में सोचते हैं क्या मैं कर पाऊँगा। ओके, वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं क्या होता है। ओके, कॉलेज से निकलने के बाद स्टूडेंट फर्स्ट चॉइस यस मैं बनूंगा और टॉप करूंगा, फिर गेट, फिर SSC JEE, और उसके बाद क्या होता है उनका, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। SSC JEE गेट यस, ओके फर्स्ट, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करते हैं। ओके फर्स्ट कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ड्रीम बहुत हाई होता है, हार्ड वर्किंग, ओनली स्टडी बिफोर द कोचिंग, कि ये करूँगा, टाइम टेबल बनाऊँगा, कुछ नहीं, किसी से फ्रेंडशिप नहीं करूँगा, गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊँगा, बातें करूँगा नहीं किसी से, बिफोर द कोचिंग रात दिन एक कर दूँगा, मेरे लिए लास्ट चांस है, ओनली स्टडी ने मैंने बीटेक में जो किया कुछ भी नहीं करूँगा, ये स्टूडेंट के माइंड में घूमता रहता है। जब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद मेहनत भी करते हैं, हार्ड वर्क, टाइम टेबल भी बनाकर स्टडी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ एकदम थिंक सोच लेते हैं। उसके बाद कोचिंग टाइमली जाएंगे, टाइम टेबल तो पहले रो में बैठेंगे, आगे बैठेंगे, क्वेश्चन आप पूछेंगे, उसके बाद अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वो ये कम से कम 1 से 2 मंथ तक के भी चलता रहता है, फर्स्ट डे क्वेश्चन आस्क इन क्लास, और डाउट क्लियर नहीं टीचर से पूछेंगे, खुद स्टूडेंट से पूछेंगे, एकदम एक्साइटेड रहते हैं, मैं इस बार फाड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद आके रूम पे आते हैं, आराम से डिनर करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने लगे, लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, पूरा थिंकिंग करते हैं कि इस बार मैं गेट या सारा एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, और मैं PSU में जाऊँगा, अच्छा रैंक लाऊँगा। ओके, आफ्टर कुछ दिन के बाद ड्यूरिंग द कोचिंग फ्रेंड्स का उनका कॉल आता है, जो स्कूल फ्रेंड्स होता है कॉल आता है और बोलता है फ्रेंड, उनके फ्रेंड्स बोलते हैं हावर आर यू, बोलते हैं फाइन, उसके बाद वो बोलता है और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, फिन उसके बाद आता है तुम्हारी कोचिंग की क्या हाल है, क्या कैसी तैयारी चलता है, उसका फ्रेंड पूछता है तो क्या ES या गेट इस बार हो जाएगा, तुम बहुत फुल कॉन्फिडेंस में होते, यस प्रो इस बार तो फाड़ दूंगा, ES या गेट दोनों निकालूंगा, या गेट में अच्छे रैंक लाऊंगा, 100 रैंक लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस बार PSU ज्वाइन कर लूंगा, उसके बाद खूब मस्ती करेंगे, खूब पार्टी होगी, दारू चलेगी। ओके, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 3 मंथ माइंड डाइवर्ट होता है, जब बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है, सोचते यस हो करे कि गेट करे या SSC JEE, आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ, उसके बाद सारे इतने सारे सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद सब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उसके बाद ES करे, गेट करे, SSC, उसको खो जाते हैं, 5-6 दिन सबसे पूछते हैं क्या करूँ, क्या सीनियर से पूछ लूँ, क्या करूँ। उसके बाद जब ES का एग्ज़ाम 1 मंथ बचता है आफ्टर कोचिंग, लेफ्ट एग्जाम 1 मंथ ES कमिंग, तो चेंज ड्रीम्स, अब इस बार तो ES नहीं हो पाएगा, नॉन टेक नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि नॉन टेक का कोचिंग नहीं, क्लास नहीं किए, बहुत टफ है ES, ये ES नहीं हो पाएगा, तो योर ड्रीम चेंज, तब यहाँ पे आता है क्या हो पाएगा क्या मुझसे, अब ES तो गया। उसके बाद अगला एग्ज़ाम आता है गेट, जस्ट 1 मंथ, उसके बाद ES इज़ नॉट क्लियर बिफोर 1 मंथ, नाउ माई लाइफ इज गेट चेंज, मेरा गेट एग्जाम माई अब लाइफ चेंज कर देगा, मैं PSU में जाऊँगा, उन लोग ANGUC ज्वाइन कर लिया, ICL ज्वाइन कर लिया, PGCL ज्वाइन करूँगा। ओके, उसके बाद गेट एग्ज़ाम आता है, पढ़ाई 10 दिन खूब चलती है, एकदम रात दिन एक करते थे, फिर नाउ बिफोर द 1 मंथ, उसके बाद दिमाग फिर डाइवर्ट, क्या करूँ, पढ़ते रहते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, उसके बाद जब एग्ज़ाम का देने के बाद फिर सोचते हो यार इस बार रैंक 100 रैंक के अंदर लाऊंगा, रैंक का गेट फाड़ दूंगा, टॉप 100 में आऊंगा और PSU में जाऊंगा, की करूंगा, अच्छे PSU में जाऊंगा, और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएंगे, बट
बट क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, क्वेश्चन मार्क उठता है कि 10 डेज पहले सॉरी गेट अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ गेट इज़ वेरी टफ, क्योंकि गेट में बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तब गेट कर सकते हो, सो शट डाउन द गेट एंड नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर फॉर गेट एंड ईयर्स देन कमिंग इन गेम ऑफ SSC JEE एग्जाम गेट गेट नहीं हो पाएगा, पेपर अच्छा नहीं गया, थिंक SSC JEE माइंड में अब SSC JEE बताइए, इस बार फाड़ दूंगा SSC JEE में अच्छे नंबर लाऊंगा, 120 130 200 में से 160 क्वेश्चन करूंगा और अच्छा से प्रिपेयर करूंगा, एकदम एक मंथ SSC JEE बढ़ता है 20 से 25 डेज या उसके बाद गेट SSC के लिए प्रिपेयर करते रहते हो, बिफोर वन मंथ SSC JEE हो जाएगा, इस बार अच्छे से पढ़ते हो, पूरे सीनियर से सलाह लेते हो, इस बार तो SSC JEE मैं तो निकाल के ही रहूँगा, ओके। उसके बाद गेम में आ जाता है दिमाग की SSC JEE, सबको बता इस बार SSC JEE हो जाएगा, 10 डेज बिफोर, आफ्टर 10 डेज बिफोर थिंक SSC JEE वेरी टफ यार, वेरी टफ बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट नो, हिस्ट्री मुझे नहीं आती, इकोनॉमिक्स नहीं आती है, मैं कैसे पढ़ूँ, सो गाइस SSC इज नॉट क्लियर, दैट क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एंड ऑल द एग्जाम रिजल्ट इज नो सिलेक्शन, नो ईयर्स, नो गेट, नो SSC JEE, देन थिंक अबाउट नेक्स्ट ईयर, ओके व्हाट हैपेंड आफ्टर द एग्जाम, ऑल इज द जीरो, देन नेक्स्ट वीडियो यू वॉच, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या होता है सारे एग्जाम होने के बाद जब क्लियर नहीं होता है। थैंक यू गाइज वॉच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर यू फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर, थैंक यू।